हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे औषधि के बारे में बताने वाली हूँ जिसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होगा, आपके नसों में कभी ब्लॉकेज नहीं आएगी, जोड़ों के दर्द से छुटकारा मिलेगा, आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा, हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है और इसके साथ ही आपको अल्सर से छुटकारा मिलेगा, इम्यूनिटी आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। ये औषधि बहुत ही गुणों से भरपूर होता है। तो वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल से कि ये औषधि क्या है, इसका नाम क्या है, किस तरीके से इसका प्रयोग करना है और किस किस तरीके से आप इसे प्रयोग करके किन किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी। इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो जिस औषधि के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है सहजन और आप सभी ने सहजन का पेड़ और सहजन को जरूर देखा होगा क्योंकि भारत में अक्सर सभी जगहों पे सहजन पाया जाता है और सहजन को ड्रम स्टिक या मोरिंगा नाम से भी जाना जाता है। और इस सहजन जो है फ्रेंड्स हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, खास करके हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में सहजन बहुत ही ज्यादा मदद करता है। लेकिन यहाँ पे हम जो सहजन के जैसे सब्जी हम बनाकर खाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सहजन का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम सहजन के पत्तियों का प्रयोग करेंगे जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, खास करके जो डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनका शुगर जो है शुगर की प्रॉब्लम है उनको काफी फायदा मिलता है अगर सहजन के पत्तियों का प्रयोग करते हैं तो, क्योंकि सहजन की फलियों में, छाल में और पत्तों में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और यह आपके शरीर में आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है जिससे आपका डायबिटीज जो है कंट्रोल में रहता है। तो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो सहजन के पत्तियों का प्रयोग करके आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से प्रयोग करना है वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा जो सहजन की पत्तियां हैं आपके दिल के लिए काफी फायदेमंद होती है क्योंकि सहजन की पत्तियों में हाई एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन के कारण होने वाली समस्याओं से राहत दिलाता है और हार्ट को हेल्दी रखता है। इससे आपका हार्ट जो है बिल्कुल ही स्वस्थ रहता है और सहजन के नियमित रूप से सहजन की पत्तियों का अगर नियमित रूप से आप प्रयोग करते हैं तो आपको हार्ट को हेल्दी रखने में काफी मदद मिलती है क्योंकि ये जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है तो उसको नियंत्रित करता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको हार्ट अटैक आने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है जिसके वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में रहता है और आपका हार्ट जो है बिल्कुल ही स्वस्थ रहता है। तो आप सहजन की पत्तियों का प्रयोग करके आप अपने हृदय को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, मोटापा से परेशान हैं, कितने भी नुस्खे ट्राई करके देख चुके हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो सहजन की पत्तियों का प्रयोग करके देखिए आपको काफी फायदा मिलेगा क्योंकि सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करने से आपका वजन जो है बहुत ही तेजी से कम होने लगता है क्योंकि इसमें क्लोरोजेनिक एसिड और एंटी ओबेसिटी गुण होते हैं जो कि बढ़े हुए वजन को कम करने में मदद करते हैं और इसके प्रयोग करने से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, सही रहता है जिसकी वजह से आपका जो वजन है बहुत ही तेजी से कम होने लगता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है और इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना मतलब कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट रहती है तो आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, कोई भी संक्रमण बीमारी आपको नहीं हो सकती है अगर आप सहजन की पत्तियों का प्रयोग करते हैं तो, क्योंकि सहजन की पत्तियों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और यह मजबूत इम्यूनिटी को शरीर को किसी भी प्रकार के संक्रमण होने से बचाती है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन को नहीं होता है, यहाँ तक कि अगर आपके शरीर में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है तो उसको दूर करता है। इसके नियमित सेवन से सहजन की पत्तियों का अगर नियमित रूप से आप सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में जो भी संक्रमण हुआ रहेगा, ब्लड में जो ब्लड आपका संक्रमित हो गया रहेगा तो उसको खून को भी साफ करता है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो जिस वजह से आपको आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में काफी मदद मिलती है और जिन लोगों को खून की कमी हो गई रहती है, एनीमिया रोग से परेशान है, उनके लिए भी काफी अच्छा होता है अगर इसका प्रयोग करते हैं तो, क्योंकि सहजन की पत्तियों में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक जैसे पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में आयरन की कमी को दूर करते हैं और जिसकी वजह से आपकी खून की कमी बहुत ही तेजी से कम होने लगती है और इसमें कैल्शियम भी काफी मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, जोड़ों की दर्द से छुटकारा दिलाता है। इसके साथ ही सहजन की पत्तियों में प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई भी पाए जाते हैं जो कि आपके हेयर के लिए भी काफी अच्छे होते हैं, स्किन के लिए भी काफी अच्छे होते हैं
हैं और आपके शरीर में अनेकों तरह की बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। ये आपके शरीर में जितने भी पोषक तत्व की कमी हो गई रहती है, जैसे कि प्रोटीन की, आयरन की, पोटेशियम की, इन सभी से आपको छुटकारा मिलता है। और इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपको हाई बीपी की समस्या से भी छुटकारा मिलता है, यानी कि आपका बीपी जो है कंट्रोल में रहता है, अगर आप सहजन के पत्तियों का प्रयोग करते हैं। तो सहजन की पत्तियों का प्रयोग करके आप अनेकों तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका प्रयोग आपको किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, आप सहजन की पत्तियों का प्रयोग कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि उसको चटनी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप सहजन की कुछ पत्तियों को ले लीजिए, अच्छे तरीके से इनको साफ कर लीजिए, फिर आप इसे चटनी की तरह बिल्कुल एक बारीक पेस्ट तैयार कर लीजिए। और चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं, काला नमक नहीं हो तो भी आप सफेद नमक भी डाल सकते हैं। और एक चम्मच चटनी का प्रयोग आप पूरे दिन में एक चम्मच चटनी का आपको प्रयोग करना है। आप चाहें तो इसे 2 से 3 बार में कर सकते हैं या एक ही बार में कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको जितनी भी बीमारियां यहाँ पर मैंने बताई है, जैसे कि वजन तेजी से कम होगा, डायबिटीज कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है कि आप इसका चाय बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए आप कम से कम एक मुट्ठी जो है सहजन की पत्तियों को ले लीजिए और इसे साफ कर लीजिए। एक मेंबर के लिए मैं बता रही हूँ। अच्छे तरीके से साफ करने के बाद आपको यहाँ पे 1.5 कप पानी लेना है, 1.5 से 2 कप आप पानी ले सकते हैं। और इस पत्तियों को पानी में डाल दीजिए और लो से मीडियम फ्लेम पे आपको इसे अच्छे तरीके से बॉयल करना है, पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये पानी जो है बिल्कुल 1 कप ना बच जाए। जब पानी 1 कप बच जाएगा तब इस पानी को छान लीजिए। और इस चाय का प्रयोग आपको डेली सुबह में खाली पेट करना है। अगर इस तरीके से आप डेली सुबह में खाली पेट इस रेमेडी का, इस चाय का प्रयोग करते हैं, तो इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है नियंत्रित रहेगा, शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, डायबिटीज आपका कंट्रोल रहेगा, आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होने लगेगा, और ये जो है डिटॉक्स करने का भी काम करता है, आपके शरीर को डिटॉक्स रखेगा। इसके अलावा आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालेगा और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो अगर आप इस तरीके से चाय का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपके ज्वाइंट पेन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। और इसमें आप चाहें स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, अगर आप इसमें चाहें तो 1 चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी आपको 2 गुने फायदे मिलेंगे। एक तो टेस्ट बढ़ जाएगा और ऊपर से जो शहद है वो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, आपके वजन को तेजी से कम करता है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या छुटकारा दिलाता है। और शहद में भी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। तो शहद काफी अच्छा होता है, लेकिन जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। अदरवाइज ये जो सहजन के पत्तियों का चाय है, आप बिना शहद के भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो डायबिटीज वाले भी इसका प्रयोग करेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सहजन की पत्तियों का प्रयोग कीजिए, चटनी बनाकर कीजिए, इसके चाय का प्रयोग कीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी और आपको सहजन की पत्तियों के औषधीय गुणों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो आप इस तरीके से आप इसके औषधीय गुणों का लाभ उठा सकते हैं इस तरीके से प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक नुस्खे के वीडियोज पाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।